हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज एक क्लास में बात करेंगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 5 नंबर्स में पूछा जाता है, वो भी प्रूफ करने के लिए। तो आज की क्लास में हम क्लियर हो जाने वाले हैं कि कैसे आप पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय को कैसे आप प्रूफ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में, आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में तीन चीज़ होता है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो वो कह रहा है कि कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो छोटी भुजा, यानी कि एक लंब होता है और एक आधार होता है। छोटी भुजा में लंब होता है और क्या होता है, आधार होता है। तो उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, बराबर होता है। कौन? कर्ण का वर्ग। यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। हमको यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, और इसका नाम दिया हमने बी ए सी। और यहां से हमने क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर कर दिया, यहां पर हमने दिया है डी, और यहां पर क्या है आपको 90 डिग्री है, ठीक है। एबीसी हमने एक त्रिभुज बनाया और बी से डी पर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर कर दिया, यहां पर भी 90 डिग्री है, ठीक है, यहां पर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री किया और ये आपको, ये भी आपको 90 डिग्री माना जाएगा, क्योंकि यह पहले से 90 डिग्री है, चूंकि समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर 90 डिग्री खींचा गया है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी डी लंब क्या हो गया, ए सी। तो चलिए हम लिखते हैं, लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे दिया है कि ए बी सी, दिया है कि ए बी सी त्रिभुज में, ठीक है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ए बी सी क्या है, त्रिभुज है जिसमें आपको एंगल बी क्या है, 90 डिग्री दिया है। एंगल बी को भी आप ले सकते हैं या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी 90 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। दोनों, ये शॉर्ट है, ये आपको शो करके दिखाया जाता है, तो दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे आपको कि यहाँ पर आपको बात करेंगे अब आगे क्या होगा कि बी आपको 90 डिग्री हो गया और ये बी डी लंब। तो पहले लिख देंगे सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ये आपको 90 डिग्री है तो समनिक वाला जो भुजा होता है वह कर्ण होता है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्रूफ करना है। यानी कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, और बचा हुआ लंब और आधार आप किसी को मान सकते हैं, ठीक है। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, स्ट्रक्चर बनाया, त्रिभुज बनाया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं रचना, क्या रचना हमने किया था, रचना में हमने क्या किया कि ये बी डी जो है, बी डी लंब ए सी खींचा, लिखेंगे बी डी लंब ए सी खींचा, यानी कि बी डी लंब ए सी हमने क्या किया, खींचा हुआ है। अब हम बात करेंगे कि प्रमाण क्या है, कैसे आप प्रूफ करेंगे। तो इतना आप जाने हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है, सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और साथ में साथ यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर खींचा गया है बी डी लंब ए सी, ठीक है, बी डी लंब ए सी खींचा, यह पहले से 90 डिग्री था और एक 90 डिग्री फिर खींचा गया, बी डी लंब ए सी खींचा गया है। तो प्रमाण में हम चलते हैं, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ध्यान देंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में,
त्रिभुज एबीसी एक बड़ा वाला त्रिभुज में, और उसके बाद हम कहाँ चल रहे हैं, त्रिभुज एबीडी छोटा वाला त्रिभुज में। तो जब हम एबीसी त्रिभुज में जाएंगे, एबीसी त्रिभुज में, तो यहाँ पर एबीसी में बी 90 डिग्री है, बी क्या है 90 डिग्री है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एबीसी बराबर एंगल एडीसी किससे, 90 डिग्री से, है ना। त्रिभुज एबीसी में यह क्या है 90 डिग्री है, और त्रिभुज एबीडी में यह क्या है 90 डिग्री है। तो एबीसी बराबर एडीसी क्या है 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, और फिर त्रिभुज हम किस में जाए हैं एबीडी में। तो त्रिभुज एबीसी में भी एंगल बी आ रहा है, त्रिभुज ए बी सी में ए आ रहा है, त्रिभुज ए बी डी में भी ए आ रहा है, आ रहा है ना। तो लिखेंगे आर बी ए डी बराबर बी ए सी क्या है, ये आपको क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है कॉमन है, यानी एंगल ए ए बी डी में भी है और एंगल ए ए बी सी में भी है, दोनों में क्या है कॉमन है, ठीक है। आप देखेंगे तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या ए बी डी, ए ए समरूपता से क्या हो गया त्रिभुज समरूप हो गया एंगल एंगल से, ठीक है। एंगल एंगल से क्या होगा त्रिभुज दोनों क्या हो गए समरूप हो गए, यानी कि ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी की। अब आप जानते हैं कि जब भी त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है, उनका जो जो साइड होता है वह क्या होता है प्रोपोर्शन होता है। तो जब भी त्रिभुज आपको क्या होता है समरूप होता है तो उनकी भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है। तो कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे समानुपाती होती है, तो त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज एबीडी के, तो भुजाएं क्या होगी समानुपाती। अब त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीसी में हम चलते हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज एबीडी का अगर आधार हम एडी को मानते हैं, ध्यान समझे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी में अगर हम ए डी को आधार मानते हैं तो त्रिभुज ए बी सी में हम ए बी को क्या मानता है मान लीजिए आधार मानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डी बट्टा ए बी, क्लियर। ए डी बट्टा क्या हो गया ए बी हो गया, आधार आधार के लिया। अब त्रिभुज ए बी डी में एक त्रिभुज ए बी डी में कर्ण क्या है, त्रिभुज ए बी डी में कर्ण क्या है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है कर्ण होता है। तो त्रिभुज ए बी डी में इसके सामने वाला क्या हो गया कर्ण, तो ए सी क्या हो गया ए बी के, ए बी क्या हो गया कर्ण, तो यहाँ पर हो गया कर्ण, ठीक है। और त्रिभुज ए बी सी का कर्ण क्या है, त्रिभुज ए बी सी का कर्ण क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण, तो कर्ण बट्टा कर्ण आधार बट्टा आधार। अब तीसरा तीसरी गुणा करता है ये ए बी गुणे ए बी हो जाएगा, और क्या हो गया ए सी गुणे ए डी, ए बी होगा तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हो गया ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, इतना आपको हो गया, क्लियर है। अब हम फिर चलते हैं त्रिभुज नेक्स्ट में, इतना हम इसको इरेज कर लेते हैं, आप फिर से उतना इरेज कर लेंगे इसके बाद से, इसके बाद से लिखनी है, ठीक है, प्रमाण के बाद से हम इतना आप फिर से लिख लेंगे। तो इतना हो गया इक्वेशन फर्स्ट, अब हम फिर त्रिभुज चलते हैं, पुनः लिखेंगे इसके बाद से लिखनी है, इसके बाद से फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज
ए बी सी और बी डी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है, पुनः त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी में हम जाते हैं, तो फिर वही कंडीशन लगाएंगे कि चूंकि ए बी सी और बी डी सी में, ए बी सी में बी 90 डिग्री है, बी डी सी में भी इधर से आएंगे तो डी 90 डिग्री होगा, तो लिखेंगे ए बी सी बराबर बी डी सी किस डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ठीक है। और फिर यहाँ से लिखेंगे ए सी बी बराबर बी सी डी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री, इतना 90 डिग्री इक्वल हो गया। अब ए बी सी में, ए बी सी में यहाँ पर क्या है, आपको सी आ रहा है और बी डी सी में भी क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो दोनों में सी सी क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, ठीक है। ए समरूपता से, कौन कौन समरूपता से, ए समरूपता से आपको क्या हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, यहाँ लिख सकते हैं कि ए लिख सकते हैं, ए समरूपता से, पिछले वाला में भी आप लिख सकते हैं ए समरूपता से, ठीक है। अब फिर आपको बताना है कि जब भी त्रिभुज आपको समरूप होता है तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो अब हम चलते हैं त्रिभुज बी डी सी में और त्रिभुज ए बी सी में, तो जब इसमें हम आपको डी सी बनाते हैं, डी सी क्या है, आपको आधार है, तो डी सी जब आपको आधार बनेगा, डी सी क्या है, आधार बनेगा, तो ए बी सी में हम आधार क्या ले रहे हैं, बी सी को, तो डी सी बटा क्या हो गया, बी सी, डी सी बटा क्या हो गया, बी सी, ध्यान देंगे डी सी बटा ए बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में डी सी क्या है, आधार है, और ए बी सी में हम आधार यहाँ पर ले रहे हैं किसको, बी सी को, ठीक है, बी सी को ले रहे हैं। अब अगर हम अब बात करें कि बी डी सी में कर्ण कौन होगा, बी डी सी का कर्ण कौन होगा, तो बी डी सी का कर्ण डी के सामने वाला कर्ण, तो बी सी हो गया, तो यहाँ पर हो गया कर्ण, ठीक है। और फिर बी डी सी में बी सी आपको कर्ण हो गया, और त्रिभुज ए बी सी का कर्ण क्या है, त्रिभुज ए बी सी का कर्ण क्या है, ए सी है, तो पहले से आपको पता है ए सी है, ठीक है। तो इसको जब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो बी सी हो जाएगा, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू क्या हो गया, डी सी, यानी कि बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू क्या हो गया, डी सी, समीकरण दो, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी क्या हो गया, समीकरण दो हो गया, ठीक है। बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी, समीकरण क्या हो गया, दो हो गया, ठीक है, समीकरण दो हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट आपको आ गया है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, और इक्वेशन सेकंड आ गया है बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी, तो इतना आप कॉपी कर लेंगे, और इसके बाद से हम दोनों इक्वेशन क्या करते हैं, प्रूव कर रहे हैं लिखकर, इतना आप कॉपी कर लेंगे। अब ध्यान देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में क्या आया है आपको, इक्वेशन फर्स्ट में आया है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, इक्वेशन फर्स्ट में आया है, और इक्वेशन सेकंड में आया था बी सी स्क्वायर बराबर, बी सी स्क्वायर बराबर आपको आया था, बी सी स्क्वायर बराबर आया था डी सी इंटू ए सी, समीकरण दो, ये नहीं आया था, ये दोनों आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में आ गया था। अब हम लिखते हैं समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, समीकरण एक और दो को क्या करने पर, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण एक और दो को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ए साइड वाला इस साइड में जुटेगा, ए साइड वाला इस साइड में जुटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये हो गया ए सी इंटू ए डी प्लस,
और ये हो गया डी सी इंटू ए सी, ठीक है। ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए सी इसमें भी है ए सी इसमें, दोनों में ए सी कॉमन है, तो हम ए सी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो जब ए सी कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचेगा, बस ए डी, और यह ए सी चला यहाँ पर क्या बचेगा डी सी। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, अब ए सी ए सी तो ए सी है, और ए डी प्लस डी सी इस फिगर में देखें, इस फिगर में देखिए ए ए से लेकर डी तक ए डी प्लस डी सी, ए डी और डी सी को अगर जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा, ए सी के बराबर आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर क्या हो गया ए सी स्क्वायर, तो इसलिए लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही आपको क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी कि इस ए सी को हमने इस साइड में ला लिया और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इस साइड में हमने ला लिया बिना साइन चेंज किए, ठीक है। तो ऐसे आप सिद्ध कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, और 5 नंबर्स आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लाइव में हम आपको बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यानी जितना भी आपको थ्योरम हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे और आप सीखते जाएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें, जितने भी आपको फ्रेंड्स हैं उनके पास वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। थैंक्स माई वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।